हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। और आज हम फिर से आ चुके हैं अर्क प्राइमल फेयर के एक और न्यू खतरनाक से वीडियो को लेकर। तो आप लोग कंफ्यूजन में हो गए अभी कि 4 दिन बाद वीडियो डाल रहा है, ऊपर से ये किसी पेड़ पे कर रहा है और ट्री हाउस की तैयारी में है। तो एक बैड न्यूज़ थी कि हमारा मेरी वजह से मैंने कुछ क्या किया था, हाँ, गेम रिस्टार्ट करने की जगह डायरेक्ट अल्ट F4 मार दिया था, तो वो पूरा डिलीट हो गया। अल्ट F4 नहीं, सिर्फ डिलीट किया था, सॉरी, मैंने गलती से टैप हो गया था मेरे से एंड मैं कुछ डिलीट कर रहा था और वर्ल्ड अपना डिलीट हो गया। देन मैं बोला कि भाई अभी ये तो गलत सीन हो जाएगा, तो मैं बोला ठीक है 3 दिन मेहनत करते हैं एंड उसके बाद वीडियो डालेंगे टनल की। तो बचपन से शुरुआत तो नहीं की मैंने, हालांकि दूसरा मैप है ये, उस मैप में नहीं खेला मैं, क्योंकि भाई मतलब मेरे को जो चैलेंजेस होते हैं वो हार्ड मैप में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब हार्ड नहीं, मतलब जो मैप मैं पहले नहीं खेला हूँ उसको उसमें खेलता हूँ एंड देन वो एक्सप्लोर भी हो जाता है और कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो मतलब मैंने कैबिलिस था आई थिंक सो वो मैप, हाँ, तो उसको मैंने एक्सप्लोर कर तो लिया था एंड उससे कुछ कुछ चीज़ें सीख भी ली थी। बट देन मैं कहा कि भाई अभी अच्छे वाले मैंने स्क्रिप्ट भी मतलब गेम की सेटिंग्स अपग्रेड की, देन अभी डाइनोज भी अच्छे खासे हाई लेवल्स वाले और हाई लेवल्स के स्पॉन हो रहे हैं, मतलब पहले तो थे बट अभी और अच्छे वाले स्पॉन हो रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है इसको और थोड़ा ऐसे मैप में खेलता है जिसके बारे में मेरे को जीरो नॉलेज है। तो मैं आ गया आर्क पेंडोरा मैप में, हालांकि ये मैप भी काफ़ी खूबसूरत है लेकिन मेरे को उसी मैप में कंटिन्यू करना चाहिए था, बट मैं इसमें आ गया। तो पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, ये कुछ पूरा मैप दिखता है ऐसा, और मैं यहाँ पे अपना बेस बनाया हुआ हूँ, मतलब बेस क्या है, छोटा सा ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक। और ये पूरा मैप है, इधर सारे तीनों ऑब्लिक्स हैं, बॉसेस भी हैं एंड वही सेम मोड्स प्राइमल फेयर और रिटर्नल। ओके, अबे बंद हो जा। एंड मैं ये दिखाता हूँ आप लोग को, ये एक आइलैंड है जो हवे में नहीं पानी में है, मतलब ऐसे ही, और ऊपर एक पेड़ था तो मैं सोचा कि ट्री हाउस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक का ये ट्री हाउस फाउंडेशन लगा दिया एंड ऊपर घर बनाने की सोच रहा था, बट वो मज़ा नहीं दे रहा था वुड का, तो मैं अभी उसको सोच रहा हूँ। देन नीचे घर बना हुआ है और यहाँ पे अपना वो सील्ड है प्राइमल का। रुको मैं दिखाता हूँ आपको वो का, ओए गिरना नहीं, और अबे गिर गया भाई, लग गए। ओके फार्म, देन मैंने इसको बचपन से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लगता, तो मैं अपने पुराने प्राइमल फेयर वाले मोड जो वर्ल्ड था उसमें गया एंड वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेकर आ गया, ठीक। जैसे कि एक अपना ये टेक के एक ये तीनों नहीं ये चारों टेक फॉर्ज स्मिति नहीं, क्या बोलते हैं लेबोरेटरी और अपना टेक्स्ट स्टोव, ठीक। एंड एक डाइनो स्पिरिट ग्रिफिन, हालांकि मेरे पास अच्छे वाले थे, मतलब नॉर्मल में भी ला सकता था मैं फेबेल्ड या कुछ भी, बट मैं बोला भाई स्क्रिप्ट हार्ड है तो मैं ये लेकर चलाया। इसका उपयोग मैंने अभी तक सिर्फ आने जाने के लिए किया है और मैप एक्सप्लोरिंग के लिए और बाकी किसी भी काम के लिए नहीं किया। हाँ, हालांकि एक दो ओरिजिन मारे हैं क्योंकि ओरिजिन डार्ट्स बनाए हुए मैंने और प्रेवल भी मारे हैं, ठीक, तो ये बोल सकते हो आप, बट बाकी का ग्राइंडिंग वाला काम इससे नहीं किया है मैंने, ठीक है। और रहे इस वर्ल्ड में मैंने क्या क्या काम किया है, तो ये देखो ये डायर वुल्फ है, ये एक स्पाइनो है और ये एक पेट्रोडॉन है। ये पेट्रोडॉन मैंने टेम किया था क्योंकि मेरे को ज़्यादा ये स्पिरिट का ग्रिफिन यूज़ करना नहीं था इसलिए। ओके, देन इन दोनों को मैंने नॉक करके टेम किया था क्योंकि मेरे को थोड़े मीट चाहिए थे इसलिए। एंड ये अपना गुरीला देख रहे हो, लेवल देख रहे हो इसका, ये अच्छे खासे लेवल का है। और उसके बाद नहीं किधर गया, हाँ ये अपना एपेक्स का वाइवरन जो कि अंडे देने के लिए मैंने टेम किए थे, ठीक, ये प्राइमल फेयर के हैं। और ये अपना फेबल्ड का डोडी, ये भी अंडे देने के लिए, ये अपना फेदर लाइट, इससे भी एलिमेंटल एग,
और ये अपना अल्फा डोडो और ये टॉक्सिक पैरासोरस। डोडो डोडो मेरे को मिले नहीं, तो मैंने पैरासोर टेम कर लिया एक, और इन सब के अंडे आए। और हालांकि एक मैंने बॉस भी टेम किया है, बॉस एग्स के लिए। ये रहा ब्रूड मदर है ये, और अभी तक इसने अंडे दिए नहीं है, हालांकि इसको मैंने कल ही टेम किया था तो नहीं नहीं दिया। और मैंने ज़्यादा अंडे कलेक्ट कर नहीं रहा मैं इनको, मतलब तकरीबन 20 हो जा रहे हैं या 15, तो उनको मैं उठा के वहाँ रख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास एक डुप्लीकेटर है, अल्टीमेट डुप्लीकेटर, तो मैं इससे भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ। और मैंने थोड़े बहुत सीड्स भी लाए थे जो कि इस प्लेटफॉर्म के नीचे है, ये सीलिंग है, इसके नीचे पूरा मैंने बेरीज एंड पॉलीमर एंड ये सब सारे सीड्स लगा रखे हैं, तो वो सब टेंशन वाली बात नहीं है। ओके देन, और बाकी सब तो कोई चेंजेस नहीं है। हाँ ये दो कारपेट देख रहे होगे, ये एक मॉड है, ये रहा, ये इस टेबल से मैं बनाया था, इसका नाम है BZ, नहीं OZB, OZO क्राफ्ट, ये रहा। इसे थोड़े बहुत डिज़ाइन वाले चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हो, तो मैंने इससे एक बेड क्राफ्ट कर दिया था दो, और एक कैंप फायर किया था आई थिंक सो, ये वाला क्या बोलते हैं, कैंप फायर ये ना, नहीं कुछ और है, और दो कारपेट और एक बेड। देन अभी मैंने सारे काम कर लिए अपने, और वो कर लिया था क्या बोलते हैं, बॉस फाइट वगैरह सीड बेंच के कर लिए मैंने स्पिरिट वाले डाइनो से। हालांकि मैंने प्राइमल या इन सब में अभी कोई डाइनो टेम नहीं किया है, तो प्राइमल के मैंने सारे डाइनो टेम कर ही लिए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुछ और किया जाए, मतलब इटर्नल में ही, या फिर अगर आप बोलो तो अगले वीडियो में, मतलब अगर आप सोच रहे हो तो कमेंट में बता देना कि मैं प्राइमल फेयर वाले डायनो टेम करूँ वीडियोस में, ठीक है। ऐसे तो मैं ऑफलाइन ही कर रहा हूँ उनको, हालांकि डिमो नहीं, डिमोनिक डिमोनिक नहीं, सेलेस्टियल फेरॉक्स का आएगा, जो जो बड़े बड़े वाले डायनोज है सेलेस्टियल के, उनके वीडियोस लाऊंगा मैं, और डिमोनिक के भी जो बड़े वाले डायनोज है जैसे रिपर हो गया, ये ऑल हो गए, इनके वीडियोस लाऊंगा। ओके देन भाई, ये आइलैंड क्या लगता है भाई, और भी मैं, और हाँ सेलेस्टियल से याद है, अपने चेस्ट इधर या फिर इधर एक सेलेस्टियल गीका और एक सेलेस्टियल इंडोमिनस रेक्स स्पॉन्ड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं किबल्स एंड ऑल ले लेता हूँ कि कब कौन सा किधर ज़रूरत पड़ जाए। ये वेट, मैंने वो वाले बेरी बनाए थे यार, कहाँ गए, इसी में है क्या, ओ इधर ही है। ओके देन अभी हम जा सकते हैं। ओके रुको मैं आपको वो दिखाता हूँ, पहले वो इधर ही थे, और ये देख रहे हो क्या भाई स्टैचू है इधर, बंदों को टांग रखा है, मैप काफ़ी खूबसूरत है ये। और इधर एक मदर ट्री भी है, जैसे पेंड्रोरा, पेंड्रोरा वो समझ लो अगर आपने एवेटार मूवी देखा। ये रहा, निकल 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 निकल, ड्रैगन स्पॉन कराएगा वो वैवरन। किससे लड़ रहा था ये सेलेस्टियल इंडोमिनस रेक्स, पॉइजन ड्रैगन, वाह पॉइजन ड्रैगन से लड़ रहा है ऊपर से भाई, 94.6 मिलियन हेल्थ है इसकी। ड्रैगन तुम जीत पाओगे, मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। ये अब ये अपना इंडोमिनस रेक्स है, एंड देन यहीं पे एक वो भी स्पॉन्ड होगा, कहाँ गया, अबे ये तो ये इनका है ना एलिमेंटल अल्फा इंडो, ब्रो लग गए पीछे, गलत सीन हुआ, आओ ब्रो ये गलत मारते हैं, हालांकि इसका डैमेज अच्छा है, तो इनसे डरने की कोई तो बात है नहीं। ये देखो ये रागीगा, और ये क्या फाइट ले रहा है भाई, सबसे डैमेज ले रहा है, हालांकि 24 मिलियन हेल्थ है अभी इसकी, तो उसका टेंशन नहीं है। ये देख रहे हो, ये मैं इसे ही टेम कर लूँ क्या, एलिमेंटल अल्फा गिगेंटोसोरस 320 का है, लेकिन भाई ये गलत जगह पे है, यहाँ पे मैं टेम कर नहीं सकता, इसको मारेगा, और मैं ये सेलेस्टियल भी अभी टेम नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मेरे पास अंडे नहीं है, तो ये थोड़ा ना गलत सीन है। सेट भाई ये गलत भड़का हुआ है, ये इंडोमिनस रेक्स बिल्कुल मेरे घर के बाजू में स्पॉन्ड हुआ है भाई, लगे हैं मेरे अच्छे खासे लगे हैं। आज हम टीम क्या करें वो कंफ्यूजन हूँ मैं, आलू एलोसोरस कर सकते हैं हालांकि, और ऐसा है
निकलते हैं, जो चीज़ अच्छी इनकी मिलती है हम वो उठा लेंगे, ठीक है। और हम मेन आइलैंड पे चलते हैं, यहाँ पे तो ज़्यादा वो नहीं दिख रहा है। हालांकि वेट, ये कौन सा स्पाइनो है? अल्फा स्पाइनो, स्पाइनो 340 का है। नहीं यार, उसका मैं क्या करूँगा? ठीक है, मेन आइलैंड पे चलते हैं और वहाँ देखते क्या सीन है। क्योस वाले मेरे को दिखे थे 6-7। ये देखो, ये अपना मदर ट्री है, वो जो सबसे बड़ा ट्री है इस मैप में, पूरे मैप में सबसे बड़ा ट्री है, और इस ट्री पे भी स्पॉन्ड होते हैं बंदे। रेक्स वगैरह कर सकता हूँ हालांकि, एलिमेंटल वाले यहाँ तो नहीं है। एलिमेंटल या इलेक्ट्रिक कोई भी मिल जाए मैं कर लूँगा। ये कौन है? ड्रैगन है क्या? फायर ड्रैगन है। ड्रैगन तो वैसे चाहिए अपने को एक। यार तीन तीन है ब्रो, क्या सीन है? पॉइजन ड्रैगन है ये क्या है? ये भी पॉइजन है ना? ये आइस ड्रैगन है। अरे यार, लेकिन ये एलिमेंटल आइस ड्रैगन टेम नहीं होगा भाई ब्रो, न जाने क्यों। इसके लिए मेरे को नॉर्मल ही करने पड़ेंगे। किधर के बंदू आप? पॉइजन हो ना? आओ। क्या आप पे ये डार्ट काम करेंगे प्राइमल फेयर वाले, या फिर मेरे को रिजिन निकालने पड़ेंगे? काम कर रहा है, कर रहा है। ये क्या परलो भी आया क्या ब्रो? आपको टॉरपोर चढ़ रहा है, घट रहा है? चढ़ रहा है। रोबोट? अबे ये क्या है? आलू सोर एलिमेंटल अल्फा एलो, ठीक है, इसे भी करेंगे। वेट, यहाँ पे क्या है ब्रो? कोई ओरिजिन है क्या? अरे चचा, नहीं मर पाओगे आप, इधर आओ, यहाँ पे बेहोश हो जाओ। बेहोश हो बे, घट रहा है, मजाक कर रहे हो? अरे लग गए। अबे एक गोली लग जाए इसको। हुआ कहाँ ये? प्लीज कहीं अच्छी जगह हो ना जहाँ डेंजर ना हो ब्रो। यहाँ क्या है? अरे यार, ये वुल्फ। अबे ब्रो, ट्रूडो ने ओके, करप्टेड ट्रूडॉन था। वाह, नहीं ब्रो, मार दिया तुमने। अबे भाई, इसको पैसिव करो यार, ये गया किधर? इधर अबे, ओ हरामी साले, फोड़ दिया बच्चे को। अल्फा ब्रो, अभी अभी अपना ये विशल पैशो, रुक जा वहीं, तू रुक वहीं पे, तू साले बैठा रहे। ठीक है, नॉक। और इसे एक, अबे एक नहीं हो गया? वाह,
ठीक है, स्पिरिट वाला इफेक्ट उसको पड़ रहा था। ओके, और वो अपना एलू था ना, एलू उठा सकते हैं हम, बस गलत जगह पे ना जाए वो। भाई यार ये पॉइजन वैवरन अभी गया, अभी वो वाला टेम करना पड़ेगा अपने को। हेलो माय फ्रेंड, 600 का है। नहीं 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 नहीं, मार मत मार मत। अबे पागल है क्या, इधर अबे ब्रो, उसको मत मारना प्लीज। कहाँ गया? अरे ये क्यों है? ये तो बेहोश हो गया। ठीक है, तुम देखना नहीं साले मेरे को। ये भाई ये हरामखोर है, बॉस स्पॉनर है यार। मेरे को वो ना टर्की ढूंढ रहा है, क्या मैं उसे मार सकता हूँ? भाई तुम क्या खाओगे? ठीक है, अल्फा मीट ये लो, कितने, एक ही ना हो जाएगा। अरे नहीं, भाई रेक्स पिट गया 480 का। अबे तुमको यार हीलिंग वॉक चाहिए ना? अरे मैं लाया नहीं, या मैंने बनाया नहीं, आई थिंक सो। टीम हेल्पर चाहिए। ठीक है वेट, मैं देखता हूँ। फार्म भाई, ये थोड़ा गलत सीन हो गया अपना। पॉइजिंग टेमिंग में 200% का एक था अपने पास, इसी में था शायद 200 का। यप, 200x है अपने पास ब्रो। ठीक है, इतना बहुत है। और अगर ये काम नहीं किया तो लग गए मेरे। लास्ट लोकेशन, हाँ मेरे को टर्की ढूंढ के उससे फाइट करनी थी। अबे पागल मत बन, बेटर है। इसको टॉर्पोर इतनी तेज क्यों जा रहा है? प्लीज खा ले। हो गया, ओके वेट। ए तुम्हारे पास क्या है? ये तो वो है ना ब्रो, बचाओ 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 बचाओ, मेरे को मरना नहीं है ब्रो। अब क्या खाएंगे अब? अरे ये कहां से आ गया? अबे तुम लोग क्या पागल वागल हो गया? कहां से आ रहे हो सारे? बेटा देखो, तुम स्पिरिट उसको तो नहीं मार पाओगे तुम लोग। ठीक है, बिठा ले बिठा ले, अरे बिठा ले मेरे भाई।
साले इटरनल आलू, आई मीन नहीं रेक्स, ये 208 का है यार, हट, नहीं टेम करना उसको भाई, ये उसे मार दिया क्या, टेम की नॉक था बे, नहीं जिंदा है, ठीक है हो गया, अरे बदलो जा, ब्रो मेरे को देखने दो, मेरे पास है, अरे ये उठा नहीं था, ठीक है अभी तुर्की, ए वेट ये लावा गोलम है ना, नॉर्मल पैसिव नॉकेबल टेमेबल है, वेट मेरे को ट्राई करने दो एक बार, क्या ये इससे नॉक होते हैं या फिर ऐसे ही हाई पे इनकी, मतलब इनको भी कैनन से ही मारना पड़ेगा मेरे को लगता है, लावा गोलम मेरे नीचे ये, ऐसा है छोड़ो भाड़ में जाए लावा गोलम, जब ये हराम खोर बंदा स्पॉन्ड हुआ है तो वो टुर्की भी जरूर स्पॉन हुई होगी, ठीक है ढूंढो ढूंढो भाई उसको, टुर्की टुर्की नाम था ना भाई, वेट 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 वेट, एक ही हॉर्स वाला है यहाँ पे, टरंटुला ये तो नहीं, तुर्की चाहिए मेरे को, तुर्की नाम होता है ना आई थिंक उसका, बस की हाँ कभी पे मिल नहीं रही यार ये, बट स्पॉन्ड है मेरे को दिखाया तो था इधर ही कहीं इलाके पे, तुम क्या हो ब्रो, अच्छा तुम तारे हो, ये कैप्रो नहीं ये वेरोनिक्स है, वेट अच्छा ये वाटरफॉल की साइड है, ये देख रहे हो क्या खूबसूरत वाटरफॉल है यार पिरामिड के नीचे, भाई मेरे को दिखा रहा है ट्रैकर पे इधर, ठीक बट ये है कहाँ, इसका क्या मेटल ही मेटल है, मैंने एक जगह पे मेटल का वो लगाया था अपना, ब्रो कहाँ गए तुम, हेलो नहीं दिखा रहा अभी, क्या सीन है रिस्पॉन हो गया भाई, ये क्या सीन है यार, वो मार के रिस्पॉन हो गया मतलब मेरे को, ये तो चीटिंग है ब्रो, ये खतरनाक एरिया है उधर नहीं जाने का, ये पूरा एरिया खतरनाक है भाई, इधर देख रहे हो कैसा दिख रहा है, नशे की तरह जैसे गेम इन गेम वेयर होता है ना वैसे, ओके ये अपना स्पाइन हो, यहीं पे मैं स्पॉन हुआ था और यहाँ से मैंने पेट्रोडॉन टेम किया था अपना, ए वेट तुमने मारा या किसी और ने, क्योंकि ये स्पिरिट डायनोस के अटैक थे, अल्फा बेसिलिस्क है, ओके यहाँ अल्फा वाले स्पॉन हुए हैं, नाइस ब्रो, मेरे को क्यों डरा रहे हो तुम लोग, एक ड्रैगन आइस ड्रैगन, अबे यार ये क्यों भाई आइस ड्रैगन ही क्यों मिल रहे हैं,
तुर्की का देखते हैं हम बाद में, अगर मिलता है तो ठीक है, बॉस फाइट करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मुश्किल है उसके सामने तो मुश्किल ही है। ठीक, एंड वे ये कौन है? और तुम ऐसे स्पॉन्ड होते हो या तूने मारा है किसी को वहां पे? भाई 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 अलग ही सीन है। अबे उड़ना है तेरे को साले, यहाँ पे गजब सीन है, पूरे फैले हुए हैं भाई, क्या क्या स्पॉन्ड हो रहे हैं। ड्रैगन टेम कर लूँ क्या मैं? पॉइजन का है ये तो, पक्का आइस है, वो भी आइस है। ठीक है आइस को छोड़ो, एलिमेंटल अल्फा एलो नहीं छोड़ो, घर चलते हैं। भाई मेरे को ना एक घर बनाना पड़ेगा अच्छा सा प्लेटफॉर्म के साथ। ओके देन, मेरे पास कितने डायनोस है? तीन है आई थिंक सो आज। यप, ये आलू इधर आ गया और ये इधर है। भाई तुम्हारे पास क्या क्या है भाई? ये सब क्या क्या लेके घूम रहे हो तुम? ये पॉइजन वगैरह मेरे को दे दो। डाइनो नहीं, डाइनो हार्ट का काम तो आएगा ही। ओके ये भी ले सकता हूँ, बाकी सब फेंक देंगे हम सिवाय इस ब्लड के। ओके देन, हमारा पहले ये बंदा और ये हेलो हेलो मस्त लग रहा है, खूबसूरत है। और एक ये थैरी, लेवल्स तो अच्छे हैं, सबके लेवल्स अच्छे हैं। इनके पावर के लिए अभी मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये मर जाएंगे। ठीक है तो मैं इसका देखता हूँ लेवल अप करने का सीन, उसके बाद फिर आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। ओके गाइस, तो आई होप सो 3-4 दिन बाद ये वीडियो आ रही है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी अपना हेलो सुर कितना लंबा है भाई, हेलो आ जा बद्धू। ओके आ गए, ओके डन। ठीक है तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। और हेलो सुर कॉम्प्लेन ज़्यादा पी लिया इसने। ओके तो बाय।